माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फेरेंट्स होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं जा रही थी अपने लिए शॉपिंग करने, आई थॉट ब्लॉग बनाते हैं इसका भी, तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज मैं बहुत लेट हूँ और अब्बू मेरे को नीचे से आवाज़ दे रहे हैं चलो करके, और मैंने बहुत पसारा फैला दिया पीछे में, सब पूरा फैला दिया है। बाकी मैंने ये कुर्ती पहनी है, आप लोगों ने देखी भी होगी, डब्ल्यू की कुर्ती है ये। और मेकअप वेकअप मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस सनस्क्रीन लगाया, पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, बस हो गया, जैसा तैसा मेकअप हो गया मेरा। बहुत गड़बड़ है मेरे को, बहुत जल्दी है। तो मौसम आज का काफ़ी अच्छा है और भाजी सब्जी वाले ना जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तभी आते हैं हमारे घर के सामने। तो चलिए चलते हैं, इतवारी जाएंगे हम लोग और देखते हैं। मुझे कौन सोच के तो लगा मैं सिंपल सी लूँगी, खैर देखते हैं वहाँ जाके क्या पसंद आता है। तो चलिए चलते हैं इतवारी एंड आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ में। तो ये कुर्ती है जो मैंने डब्ल्यू से जो ली थी और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कुर्ती है। इसके साथ मैंने जीन्स पहनी है, हालांकि ये इसके साथ में आप ऐसे ट्राउज़र वगैरह भी पहन सकते हो। ये मैंने सिर्फ 600 की ली थी गाइस सेल में, तो काफ़ी अच्छी कुर्ती है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे इतवारी में ज्वेलरी शॉप और यहाँ पर अब जो मैं बेसिकली लेने आई थी अपने लिए नाक का तारा, नथ जिसको बोलते हैं वो, क्योंकि मेरी जो थी ना वो ख़राब हो गई थी, उसके स्टोन गिर गए थे और मुझे मतलब नाक के तारे का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो देख रही थी एंड यहाँ पे मम्मी के लिए लॉकेट भी देख रही थी उनको मतलब देने के लिए। तो मुझे काफ़ी डिज़ाइन उन्होंने दिखाए लेकिन मुझे उतने ज़्यादा यहाँ अच्छे नहीं लगे डिज़ाइन, हालांकि मैं आपको दिखा दे रही हूँ ये, बाकी मैंने लिया इसमें से नहीं क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा डिज़ाइन इनकी अच्छी नहीं लगी। मतलब इतनी ज़्यादा कोई नई डिज़ाइन नहीं थी, मुझे अम्मी के लिए लेना था बट मेरे को पसंद नहीं आई तो मैंने ये नहीं लिया। और इनके पास में ना यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राम भी दिया हुआ है कि कोई 2 ग्राम का है, कोई 3 ग्राम का है, कोई 4 ग्राम का है, मतलब जो लिखा है ना 4.3 ग्राम इस टाइप से, मतलब वहाँ का कितना वेट है इसका वो भी दिया हुआ था साथ में। आपको पता है अभी सोना तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, तो या बस आप अगर 1 ग्राम का भी कुछ लेने जाओ ना तो आपको 6,000-7,000 का मिल जाता है, तो बाकी बहुत महंगा था। तो मैं बस देख रही थी गाइस एंड मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मतलब ऐसे डिज़ाइन पसंद नहीं आई और उनके पास थी भी नहीं ज़्यादा वेराइटी। तो बस मैंने फिर यहाँ पे देखा और जो मैं मेन चीज़ लेने गई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। उसकी वीडियो मैं नहीं बनाई, मतलब मैं बनाना भूल गई क्योंकि मैं देखने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, क्योंकि इतने सारे उनके पास नाक के तारे थे कि मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं कौन से वाला लूँ। तो उसकी जो है मैं डिज़ाइन आपको घर जाने के बाद दिखाती हूँ जो मैंने ली हूँ अपने लिए, और वो भी मुझे काफ़ी महंगा पड़ा है। तो बस यहाँ पे मैं अभी वो तारा दिखाने लग गए थे मेरे को, तो भैया की दुकान छोटी सी इतवारा में, बट काफ़ी वैरायटी थी उनके पास में तारे की, लेकिन लॉकेट की डिज़ाइन मेरे को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी उनके पास। सो गाइस शॉपिंग मेरी हो गई थी, मैंने बस अपने लिए एक नाक का तारा लिया था और उसी शॉप के सामने ना यहाँ पे एक सेल लगा हुआ था घर संसार करके, तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पर अच्छी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेल था। तो बस मैं वहाँ पे आ गई और देख सकते हो आप कितना ज़्यादा बड़ा सेल था, मैंने तो काफ़ी मतलब कम वीडियो बनी, हालांकि अगर आप यहाँ हो नागपुर में तो आप जाके ज़रूर देखना इतवारी में, बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। मतलब ऐसी घर की जो चीज़ें होती है ना लाइक इस टाइप के कंटेनर और किचन की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, स्कूल के बच्चों के लिए बैग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं कुछ कुछ दिखा रही हूँ आपको जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे, इस टाइप के डब्बे वगैरह ना बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने कुछ लिया भी घर के लिए। तो बस यहाँ बॉटले वगैरह भी दिखा रही हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें थी यार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेल। बस जिस शॉप पे मैं गई थी ना उसके सामने में ही लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ तो मेरी खरीदी हो गई है, तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर भी देख लेती हूँ क्या है वहाँ पर। तो इसलिए मैं आई और मुझे इतनी अच्छी चीज़ें मिली ना यहाँ पर, मैंने ले ली घर के लिए 2-4 चीज़ें, तो बस आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। मुझे तो यहाँ के ना इस टाइप के कंटेनर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देख सकते हो आप 250 रुपीज़ में आपको 3 इतने बड़े बड़े कंटेनर मिल रहे हैं, और इस टाइप की बकेट और छोटे छोटे इस टाइप की बास्केट भी थी स्टोर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी, तो आप लोग जाके देखना।
घर आने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन से डिज़ाइन का नाक का तारा लिया है गाइस। और ये देख सकते हो आप, ये इतना खूबसूरत से मैंने लिया था और इसका रेट आप सुन के ना हैरान हो जाओगे। ये इतना सा तारा मुझे 1100 का पड़ा है, लिटरली 1100 का। मुझे इतना मतलब ऐसा लगा, इतना क्यों, इतना सा तो है और इतना ज़्यादा महंगा। बट गोल्ड का रेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इतना सा है यार 1100 का। इन इतवारी से मैंने नाश्ता लेकर आया था गाइस, जलेबी फाफड़ा। और जलेबी फाफड़ा आप लोगों ने खाई हो क्या मुझे बताना, तारक मेहता कौन कौन दिखता है भी मुझे बताना। और ये जेठालाल का फेवरेट नाश्ता है जलेबी फाफड़ा। और फाफड़ा जो है ना इतवारी में काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जलेबी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ वहाँ की, बट ये जो फाफड़े होते हैं ना ये काफ़ी अच्छे लगते हैं वहाँ के, बहुत अच्छे बनाते हैं वहाँ पर। तो बस हमने सोचे ट्राई करके देखते हैं इस बार जलेबी फाफड़ा साथ में। वैसे फाफड़ा हमने ऐसे खाए, काफ़ी अच्छा लगता है, चाय वाय से अच्छे लगता है स्नैक्स। तो ये लेकर आई थी मैंने साथ में और बस अभी हम लोग थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे इसके को। और उसके बाद में जो पानी आया ना गाइज, लिटरली इतना ज़्यादा तूफ़ान बारिश है। अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गई। एंड अभी बारिश के बाद का मौसम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रीनरी लग रही है और कितना ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ मेरी बैल्कनी में अभी क्या हो रहा है। इससे पहले मैंने बैल्कनी की मेकओवर की वीडियो डाली थी, इस बार भी सोची मैं डालूँ बिकॉज काफ़ी नए पेड़ लाने हैं मेरे को और जो मेरे पहले के पेड़ हैं मतलब उनको थोड़ा कट शट करना है। मुझे काफ़ी शौक़ है गाइस गार्डनिंग का। तो मिर्ची के पेड़ में काफ़ी सारी मिर्चियाँ भी लग गई थी तो मैंने सोचा इसको भी तोड़ लेते हैं। और हमारे यहाँ की मिर्चियाँ ना बहुत तेज़ लगती है, मतलब बहुत तेज़ है, छोटी सी है बट ये बहुत तीखी है। तो मैंने इसको तोड़ा और ये ना काफ़ी जल्दी जल्दी मतलब हो जाती है इसमें। इतने सी मिर्ची का तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं बना सकते बट आपके घर में इस टाइप की चीज़ें अगर उगे ना तो उसका अलग ही खुशी अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैं ये तोड़ रही थी एंड आज का मेरा ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ गाइज़। आई होप आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए कमेंट करें कि आप क्या देखना चाहती हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं मेकअप कलेक्शन वीडियो डालूँ अपनी या ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो डालूँ। मैं कन्फ्यूज़ हूँ मैं क्या डालूँ बट आप लोग बताइएगा मुझे, नए नए वीडियोज़ के आइडियाज़ दिया करें। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल आपका कुछ नहीं जाता, फ्री होता है एंड हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हो इतनी मिर्ची मैंने तोड़ी थी अपने गार्डन से। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।